नमस्कार किसान साथियों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का किसान एग्रो फार्म में। तो आज मैं बहुत दूर गाजीपुर में चल के आया हूं वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं आप लोग को बरबरी का फार्म दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो बरबरी का फार्म अपने 3 सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो मैं उनका फार्म भी दिखाऊंगा और कितनी बरबरी स्टॉल फीडिंग पे वो भी करते हैं, तो कितनी बकरियां हैं, सारी मैं बकरियों की विशेषताएं बताऊंगा और मैं सारा फार्म उनका दिखाऊंगा और मुर्गी पालन भी उनका। बकरी फार्म ऊपर है, मुर्गी फार्म नीचे करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं, मैं उनका सारा डिटेल बताऊंगा। पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो अच्छी से अच्छी आप लोग के लिए पड़ती है, लेकिन आप लोग वीडियो देख नहीं पाते हैं, स्क्रिप कर देते हैं। और वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, तभी आप लोग को अच्छा लगेगा। आइए हम चचा से मिलाते हैं जिनके फार्म है। नमस्कार चचा। नमस्कार नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए, आपका फार्म का लोकेशन बता दीजिए। फार्म का मेरा लोकेशन है महेशपुर कला जी, ग्राम बिजवा पोस्ट महेशपुर, कुछ गाजीपुर नजदीकी बता दीजिए। जैसे गाजीपुर से कोई जाना चाहता है तो कोई अपना मेन लोकेशन से कोई भी व्यक्ति अगर आना चाहता है मेरे फार्म पे, तो काठवा मोड़ जो गलियां के लिए रोड जाता है जी जी, बिल्कुल महेशपुर सिटी उसी मेन रोड पे, उसी बीच में पड़ेगी। मेन रोड पे आपका फार्म जो है मेन रोड से हटके है कि मेन रोड पे ही है? मेन रोड पर भी है। मेन रोड पर भी है। तो अच्छा, आप फार्म कितने दिनों से आप कर रहे हैं? पहले भैया ये फार्म मैं 3 साल से चला रहा हूँ। ऐसा कैसे लगा आपको फार्म 3 साल से चला रहे हैं? तो ऐसा नहीं लगा कि आपको फार्म बंद कर देना चाहिए या चलाना नहीं, चाहिए? नहीं भैया, क्यों बंद कर देना चाहिए हम बताइए, इससे जो चीज से प्रॉफिट होता है तो उसको क्यों बंद कर देना चाहिए? अच्छा, पहली बार इस आए बकरी फार्म में तो क्या सोच के आए और कैसे आए? मैं देखिए, सोच करके तो मैं पहले नहीं इसके बारे में मैं सोच रहा था, बाकी मेरे को एक बार टाइफाइड बुखार हुआ जी, तो मैं बकरी जोने लगा, जोते जोते मैं गया पाणेपुर। जब गया तो एक फार्म में गया, शर्मा जी का फार्म चल रहा था, उसमें बकरी में खरीदा तो 18,000 की बकरी में लाया जी जी। मैं बोला कि यार बकरी में इतना बढ़िया फायदा है और इतना इसकी दूध में इतना कीमत है, तो क्यों ना मैं ही खोद दूं। उसके बाद वो बकरी लाया, उसके बाद में यहाँ से फार्म स्टार्ट कर दिया। जैसे क्या मैं अभी आपके पास जानता हूँ कि आपके पास ट्रैक्टर है, जेसीबी है, सब कुछ रहते हुए भी आपके पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं, नहीं तो नहीं। फिर भी आप इस क्षेत्र में आए? इस क्षेत्र में इसलिए मैं आया कि देखिए भैया, इसमें क्या है कि कोई इसमें टैक्स नहीं देना पड़ता जी। अगर हम गाड़ी, हमारे पास जेसीबी है, धान काटने वाली मशीन है, ट्रैक्टर भी है, सब कुछ है, बाकी उसका हम लोग टैक्स देते हैं और इसमें हम लोग जितना प्रॉफिट कर लेंगे इसका कोई एक पैसे का टैक्स नहीं देना है, जो भी मुनाफा होगा मेरे घर पर आएगा। आप पहली बार शुरुआत किए थे तो कितनी बकरियों से शुरुआत की? तीन चार पाँच थी जी। पांच थी। किस नस्ल की बकरी आप लाए थे? ये एक तो सिरोही थी, दो बकरी जो जमुनापारी की क्रॉस ब्रीड थी जी, और उसके बाद में फिर बीटल लाए। तो इस टाइम देख रहे हैं सिरोही भी नहीं है, बीटल भी नहीं है, तो बरबरी है इस टाइम? इस समय बरबरी है भैया, ये बीटल में बेच दिया। मैं तो पुराना कस्टमर जो इसे काबे किए, तो मैं बीटल का ही हूँ। बीटल बेच दिया हूँ, बरबरी मेरे पास पड़ी है और नया में अब अपने यहाँ ब्रीड में डाला हूँ। आप इतन बोर की आपके पास बोर भी दिख रही है? हाँ, आप इतन बोर की अब मैं ब्रीड डाल रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे यहाँ अफ्रीकन बोर अधिक मात्रा में मिली। तो चलिए चलते हैं, आप जितना फार्म है कितनी बकरियों के लिए अवेलेबल है ये फार्म? ये इसमें 50-60 बकरी यहाँ पर रह सकती है, कोई भी बीटल हो या बरबरी, बरबरी हो, बीटल हो, ये अफ्रीकन बोर हो, कोई भी बकरी इतना एरिया में रहते। अरे जो फार्म बनवाए दिल पे सब रख के, तो कितना लागत लग गया था फार्म बनवाने? ये तो बहुत नॉर्मल लगा हुआ है, 1.5 लाख रुपया इसमें खर्च किए हैं। 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है? तो अजय बताइए, जैसे तीन से तो बहुत जुगाड़ तरीके से बना है, तब सस्ता पड़ा है, सस्ता पड़ा। और नीचे देख रहे हैं आप मुर्गी भी रखे हैं जी जी, तो ऐसे कैसे विचार बना कि नीचे मुर्गी रख ले और ऊपर बना दे बकरी का? अगर ये बकरी नीचे रहती है तो देखिए, बरसात में और जाड़ा में बहुत ज्यादा कचरा हो जाता है, पेशाब करती है, मैगनी करती है, उसमें ज्यादा गीला हो जाता है जी। मैं दिमाग लगाया कि क्यों ना उसको दो तल्ले पर रखा जाए, दो तल्ले पे। हाँ,
तो मैं बिहार का कुछ वीडियो देखा तो उसमें क्या था कि बांस का जो बांस बिहार में वो बम्बू बोलते हैं जी, जी। उसको लोग फाड़ करके और बैठाए थे, तो मैं सोचा कि उसमें खोट पड़ेगी, पैर टूटेगा, टूट सकता है। क्यों ना मैं पटरे का ही बनाऊं, पटरे का। तो मैं पटरे सारे पटरा चिरवाया और अपना ही से, कोई मिस्त्री मैं लाया नहीं, मैं अपना ही धीरे धीरे सारा कुछ अपना ही। तो आइए हम चलते हैं आपके फार्म में देख लेते हैं। ये जुगाड़ से दरवाजा भी बनाए हैं बहुत ही अच्छे। हाँ, जुगाड़ से दरवाजा भी बनाए हैं। तो देखिए यही इनका फार्म है, जो कि इसके नीचे मुर्गियां रहती हैं और इधर खिलाने वाला भी है अच्छे तरीके से। अच्छा बताइए, जो जाड़े का मौसम गया है इसमें कैसे सूटेबल रहा इसमें, और बकरियों को ठंड न लगने का मतलब क्या उपाय किए थे इसमें? बिया देखिए, आप देख ही रहे हैं चारों तरफ से तिरपाल का पर्दा गिर जाता है, और इसमें जो एलईडी बल्ब देख रहे हैं तो एलईडी बल्ब तो अजूर के लिए है, बाकी हाइड्रोजन जो है गर्म के लिए लगाते हैं, हाइड्रोजन गर्म के लिए। ये हमेशा लाइट है, हाइड्रोजन चलता है, इसमें गर्मी रहता है जी, इसमें कहीं से हवा का प्रोग्रेस नहीं होता है, बिल्कुल इसमें गर्म रहता है। तो जो एक खिलाने का व्यवस्था जो आप बनाए हैं ऐसे देख रहे हैं कि कितनी बकरियों के लिए अवेलेबल है खाने के लिए? ये 20 इधर से 20 उधर से 40, यानी इसमें 40 बकरियां खा सकती है जी, जी। और देख रहे हैं इसमें आप डाले हैं ये हरा चारा है और गेहूं का भूसा, गेहूं का भूसा है बस, दो ही। और इसमें कुछ क्या क्या मिक्स करते हैं? इसमें ये डालेंगे गेहूं का दरिया डालेंगे और ये मक्का का दरिया डालेंगे जी, बस। अब मेन बात रह गई, बकरियां बीमार पड़ती हैं तो आप डॉक्टर को बुलाते हैं या दवा अपने से? नहीं नहीं भैया, हम खुद अपने आप इलाज कर लेते हैं, हम डॉक्टर को नहीं बुलाते हैं। हम जो बकरी बीमार पड़ती है तो हम लोग अपना ही इलाज कर लेते हैं। जैसे कौन सा टीका लगाते हैं, कितने कितने समय पे लगाते हैं भैया? हम देखिए एक तो पीपीआर लगा देते हैं, 3 साल पर पीपीआर लगता है जी, 6 महीने पे FMD चलता है जी। अब तो मान लीजिए ट्रायो बैग आ गया है जी, जी। ईटी और प्लस जो जितना है वैक्सीन कंबाइन आ गया है, एक ही तो एक ही बार लगा देंगे, वो 6 महीना एकदम बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा जी। तो इसे बकरियां जैसे पहले शुरुआत में आप कहीं से ट्रेनिंग करी, जैसे आप चालू करने से पहले आप चालू तो कर लिए थे? चालू तो मैं कर लिया था, बाकी ट्रेनिंग लिया मैं बाद में लिया। कितने दिन बाद आप ट्रेनिंग? वो साल भर बाद में मैं ट्रेनिंग लिया CARG से। जैसे आप ट्रेनिंग लेने से पहले और ट्रेनिंग लेने के बाद क्या अंतर समझ में आया आपको? वो मेरे को अंतर ये आया था कि पहले मैं कम बकरियां रखे थे जी, तो मेरा काम चल जाता था न जानकारी रहने पर भी, और कुछ बीमार पड़ती थी तो मैं डॉक्टरों के पास जाता था, तो जो 100 रुपये की दवाई है वो सीधा 300 रुपया बकरी के नाम पर 300 रुपया का ज्यादा आपको नुकसान हो जाता था, ज्यादा नुकसान हो जाता था। मैं सोचा कि ट्रेनिंग लेने में फायदा है, तो जो मैं ट्रेनिंग लिया, अब वैक्सीन आए PPR का, मानकर चलिए कि प्राइवेट में 500 का, कोई कहता है कि 1000 का हम देंगे, अलग हर जगह अलग अलग लोग जैसे लूट सकते हैं बकरी पालन वालों को लूट। तो जो नया किसान भाई इसमें जो आना चाहता है तो करने के लिए तो कर देता है, मगर कहीं दवाई से मार खा जाता है, तो कहीं किसी के फार्म पर जाता है तो बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग भैया दिलवा देंगे, आपको बकरी भी दे देंगे, वहाँ भी कुछ मार खा जाता है। तो भैया अपना ट्रेनिंग खुद के, हम तो ये कहेंगे कि CARG से ट्रेनिंग लीजिए, और एक्का दुक्का हर फार्म से खरीदिए, एक जगह पर मत बकरी। जैसे आप ये कहने का मतलब ये है कि आप चल पहले ट्रेनिंग ले लें, फिर अपना फार्म विजिट करें अलग अलग जी, फिर उसके हिसाब से आपको जो अच्छा समझ में आए बकरी की, एक ही यहाँ बकरी पसंद है तो वही बकरी ले। अब ये ना आए दबाए में कि नहीं भैया हम 5 ही का लाट देंगे, भैया हम 5 का लाट नहीं खरीद पाएंगे, जो आपको जो बकरी पसंद है 500 रुपया अधिक है दे, मगर आप पहले तो फार्म में आना चाहता है तो बच्चे मत लाइए, फार्म बच्चे से ना शुरुआत करें, बच्चे से शुरुआत नहीं करिए आप जब भी। अगर बच्चे से शुरुआत करते हैं तो कहाँ से लोग फंस जाते हैं? बच्चे से भैया शुरुआत करते हैं तो देखिए उसका दाना दवाई जो भी हुआ घर से देंगे, आगे क्या है कि आगे प्रोग्रेस है नहीं जी, ना वो बच्चा देगी ना कुछ देगी, तो आपका घर से ही लागत लगा लाएगा, और जो बकरी रहेगी तो आप मान कर चलिए कि गाभिन लाए 1 महीना खिलाए बच्चा दे दी, तो 3 महीने में बच्चे को बेच सकते हैं तो आपका खर्चा निकल सकता है। ये भी तो बात है, जैसे आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप बच्चा लाते हैं तो 5-6 हजार का मिलेगा ही, 5-6 हजार 7 हजार का मिलेगा,
बकरी लाएंगे 12 से 14-15 हजार तक मिलेगी, तो बकरी आप प्रेग्नेंट लाएंगे तो आपको आगे बच्चा दे देगी, बच्चा दे देगी तो आपको फायदा रहेगा। अब बच्चे को लाएंगे तो साल भर रखेंगे तो लोग परेशान इसी में हो जाते हैं कि कितना खिलाए कितना खिलाएंगे, फिर फार्म लोग बंद कर देते हैं, यही कारण साल भर खिलाएंगे, साल भर के बाद वो प्रेग्नेंट होगी तो फिर 6 महीने बाद 6 महीने बाद बच्चा देगी, 3 महीना रोकेंगे तो 9 महीना हो गया, तो दिन में उतने दिन में तो बिकेंगे नहीं, तो उतने दिन में तो बिकेगा नहीं, तो इसका प्रोसेस 2 साल से ऊपर हो जा रहा है, 2 साल से ऊपर हो गया वो आदमी परेशान होकर घबरा जाता है। अरे जैसे ये लगाए हैं और इस जाली का क्या मतलब, इस जाली को इधर लगाया है? इस जाली को मैं इसलिए लगाया हूँ कि यहाँ पर ये छोटा सा गेट बनाएंगे, अच्छा यहाँ पे जो बकरी बच्चा देने वाली रहेगी इधर रहेगी, अच्छा इस साइड, इस साइड में जी, जो खाली रहेगी इधर रहेगी, इस साइड में अपना घूमेगी, और अन्यथा जो बच्चा देने वाली रहेगी इधर रहेगी, इसमें जो बच्चा देने वाली रहेगी उसमें इधर रहेगी। अच्छा पटरा जो लगाया है बहुत पतला पतला लगाया है, इससे कोई प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम नहीं, ये अच्छा है, ये जितना चौड़ा पटरा देंगे ना उसकी मेगनी और पिसाब उस पर रुकेगा, रुक जाएगा, जितना पतला पटरा रहेगा उसकी मेगनी और पिसाब जितना जल्दी से गिर जाएगा। तो आइए अब हम इनका फार्म तो दिखा दिए, देखिए गर्मी के लिए फाइन ऑयल लगा है, सब फार्म बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना है और कम लागत में बना है, 1-1.5 लाख कोई ज्यादा नहीं है, कम है, बहुत लागत कम है, इतने में आपको फार्म बनाना चाहिए। आप लोग सोचते हैं कि नहीं इससे भी सस्ता फार्म बनाए तो ऐसा कुछ है। अच्छा इसके विषय में बताइए, ये जो बना है इसका विषय, ये बच्चों का पिंजरा है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो हो जाते हैं, पुआल पुआल डाले भी है, पुआल डाले हैं गर्मी के लिए डाले हैं ना, कि ये जाड़ा में जिसे ठंडी उन लोग को ना लगे जी। तो आइए आप अपनी बकरियों को दिखा दीजिए, देखिए देखिए यही इनकी बोर नस्ल की बकरी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की बोर नस्ल, गाजीपुर में कह सकते हैं कि पहली बार बोर नस्ल की बकरी आई है, बहुत ही कम रेयर हम लोग के गाजीपुर तरफ देखी जाती है बोर नस्ल। इसकी देखिए क्वालिटी, और देखिए अभी ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है, और ये थन इसका देख लीजिए बहुत ही शानदार है, अभी बढ़ रहा है थन, 4-5 महीने तक जाते जाते बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की हो जाएगी बकरी है। और क्या अपनी सारी बकरियों हमको दिखा दीजिए, और वो उस घेरे में बनाए उसका क्या मतलब है? ये जो बाहर जैसे निकल जाएगी तो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये हमेशा उस तरफ बकरी को कूदाते रहेंगे जी, इस जाली में डाल देंगे तो उसका टाइम से छोड़ेंगे, टाइम से दूध पिएगा, और इसमें अपना एक साइड में बच्चे पड़े रहेंगे। अब क्या हम लोग एक मेन रीजन पे चलते हैं, सबसे बड़ा एक मेन रीजन है, ठीक सबको यही चाहिए, कोई भी बकरी पालन, एक साल में कितनी बकरियों से कितनी कमाई हो जाती है, एक साल में अगर एक बकरी से अगर मानिए तो 4 बच्चा तो कन्फर्म है आना आना जी। अब एक तो मेरे पास बकरी है, अब देखिए ये जी, अब इसको 25 दिन लगभग बच्चा दिन नहीं तब तक ये हिट में आ गए, हिट में आ गए, बाकी हम लोग रोक कर रखे, हमारा खसी बड़ा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए, नहीं तो अब तक में हिट में थी, ये क्रॉस हो गई, क्रॉस हो गई। हाँ तो क्या बताइए आपका मुनाफा एक साल में कितने का हो जाता है, मान के चलिए कि देखिए माल के ऊपर भैया मुनाफा तो होता जी, अगर हम कह देंगे कि हम एक ही बकरी से 10 लाख कमाते हैं तो ये तो गलत हो गया, ये तो सरासर गलत हो गया। तो देखिए जो मैं 40 तक लेकर मैं सीमेंट में बकरी रखा था तो उसमें मैं बेचता रहता हूँ, अब जो मैं देखिए 2.5 लाख का बकरी मैं लाया हूँ, जो मेरे पास यहाँ पड़ी है ये मेरे बचत में पड़ी, बचत में पड़ी, बचत में। अच्छा आप 2.5 लाख बेच दिए, आपके पास अभी 30-30 बकरियाँ बची, 25-30 बकरियाँ बची, ये बचत में हमारे। तो मान लीजिए आप अगर एक बकरी अगर 8,000 की भी गई तो आपको मुनाफा ही मुनाफा, मुनाफा ही मुनाफा है, ये बकरी से नुकसान नहीं है, ये अगर सही तौर से किया जाए तो बहुत बढ़िया। तो हमारे दर्शकों को एक बार आप लोग धन्यवाद दीजिए, अब किसी अन्य वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, आप लोग एक साथ में बकरी पालन करेंगे तो आप लोग को नुकसान हो सकता है, आप लोग बकरी पालन मुर्गी पालन जैसे चचा सेठ बनाए वैसे आप लोग कर सकते हैं, इस हिसाब से आप लोग रखेंगे तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। अब किसी अन्य वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।